हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन का, स्टैंडर्ड 9 का। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेंगे एंट्री हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर में, जो कि है चैप्टर नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन स्टैंडर्ड 9 का। ठीक है, तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है, उसी के साथ साथ देखा था मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, स्पीड देखी थी कि स्पीड जो होती है वो किस तरीके से वैरी करती है, और कौन से एसोसिएटेड फोर्सेस हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि स्पीड डायरेक्शन चेंज होता है, या तो सिर्फ स्पीड चेंज होती है या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, वो सब हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था। तो उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट को। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस पार्ट को देखने से पहले वो वाला पार्ट नहीं देखा है ना, तो जाके एक बार उस पार्ट को देख लो, उसी के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तभी जाके ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने इस पार्ट को। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी, जनरली हमारे दिमाग में बस एक ही अजम्पशन चलते रहता है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। बट लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, ये भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था। और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दोनों हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। अब आज के क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है ना, आज के क्लास में हम लोगों को देखना है दो चीज़ों को, स्पीड के दो टाइप्स को हम लोगों को देखना है। चलिए तो देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना। जो भी आपके स्पीड होते हैं ना, उसके टोटल दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो भी आपकी स्पीड है उसके टोटल दो टाइप है। जो पहला स्पीड का टाइप है ना, वो होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। अब सेकंड टाइप जो है उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, दूसरा और कुछ होता है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है आपको। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर एक है यूनिफॉर्म तो दूसरा क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर एक है यूनिफॉर्म तो दूसरा क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलिए देखते हैं इसको, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को लिख देती हूँ, उसके बाद आपको एकदम बढ़िया तरीके से विद एग्जाम्पल समझा के दूंगी, कड़ाकेदार तरीके से। तो यहाँ पे ये लिखा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, ये सब समझा के देती हूँ, सिर्फ एक मिनट वेट करो। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the object is said to be, then object is said to be moving with uniform speed, moving with uniform speed। ठीक है, मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, ऐसा लगाऊंगा मैम ये क्या चक्कर चल रहा है, ये तो बुक में भी डेफिनेशन दे रखा है, आप हमको समझाओ ना। अरे भाई समझाने वाली हूँ, एक बार फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट कर ले, फिर एकदम बढ़िया तरीके से समझा के देती हूँ। ठीक है, इसका भी लिख देती हूँ मैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then the object is said to be in non uniform speed, or object is said to be moving with non uniform speed। चलिए भाई, लिखने का काम तो बस हो गया खत्म, मुझे पता है लिखते वक्त आपको काफ़ी बोर मारता है, अब नहीं मारेगा। चलिए अब हम लोगों ने इसका डेफिनेशन तो लिख दिया, अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को, कि यूनिफॉर्म स्पीड और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है क्या चीज़, समझना पड़ेगा ना। मुझे पता है ये डेफिनेशन से आप लोगों को नहीं समझा होगा, तो अब हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम कड़ाकेदार तरीके से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल लगता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। लेट अस से मैं बोल रही हूँ ये ग्राउंड है, ये बस आपका प्ले ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे जाने के लिए हर बच्चा मरता है। प्ले ग्राउंड है भाई, प्ले ग्राउंड का इंतज़ार उसको सुबह से होता है, स्कूल जाने के पहले से, कॉलेज जाने के पहले से वो सोचते रहता है कि हॉलीडेज कब कब आने वाले और मैं प्ले ग्राउंड किस दिन जाने वाला हूँ। हर किसी की बहुत ज़्यादा विशेष होती है, स्पेशली बॉयज़ की, गर्ल्स की भी होती है बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए, ठीक है। तो भाई ये है आपका प्ले ग्राउंड, मतलब आपका फाइनल डेस्टिनेशन जिसको हर किसी को, हर कोई जाना चाहता है जहाँ पे, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, यहाँ पे सपोज़ मैंने एक घर लिया, लेट अस से मैंने एक होम यहाँ लिया और एक होम मैंने यहाँ लिया। अब प्लेग्राउंड थोड़े डिस्टेंस पर है, लेट अस से मैं बोल रही हूँ कि ये प्लेग्राउंड जो है ये 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये हुआ ए का हाउस, ठीक है, लेट अस से ये अंकिता मतलब मेरा घर है और यहाँ पे मेरी कोई फ्रेंड है, लेट अस से मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, जिसका नाम कोई भी हो सकता है। उसका जो घर है प्लेग्राउंड से वो है भाई 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर। अब अंकिता का घर प्लेग्राउंड से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इस फ्रेंड का घर प्लेग्राउंड से लेट अस से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब क्या हुआ, जो मुझे मतलब ये अंकिता को टोटल 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, लेट अस से मैं बोल रही हूँ मेरे टू व्हीलर से, लेट अस से मुझे लग रहे है कितने भी मिनट आप ले सकते हो, कितने भी मिनट ले लो, अगर मैं टू व्हीलर्स की बात कर रही हूँ तो लेट अस से चलो 2 किलोमीटर्स, टू व्हीलर से मुझे लेट अस से 5 मिनट्स लग रहे हैं, जस्ट हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे चल रहे हैं। अब ये 8 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अंकिता की जो फ्रेंड है उसको भी टोटल 5 मिनट ही लग रहे हैं। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया, हाँ भाई मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो अंकिता है उसको अपने घर से प्लेग्राउंड तक जाना है, लेट अस से ये डिस्टेंस सपोज मान के चलो 5 किलोमीटर है और मेरे पास लेट अस से 2 व्हीलर एक्टिव है, ठीक है। अब मुझे यहाँ तक जाने के लिए इस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स लग रहे हैं, ऐसा मैं पकड़ के चल रही हूँ। अब जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड का घर प्लेग्राउंड से टोटल 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, बट पता है शॉकिंग चीज़ क्या है, उसको भी 5 मिनट ही लग रहे हैं। मतलब दाल में कुछ काला तो लग रहा है ना। काम की बात यह है, अगर अंकिता 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 मिनट में ट्रैवल कर रही है, मतलब उसकी स्पीड कैसी, नॉर्मल स्पीड है ना, तो बहुत फास्ट है ना तो बहुत स्लो है। मतलब मेरी जो स्पीड है यहाँ पे, जो अंकिता की स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, एकदम फास्ट भी नहीं है एकदम स्लो भी नहीं है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ने कवर किया इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 5-5 ही रहेगा, 5-6 मिनट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो अंकिता है इसने यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी गाड़ी की, इसकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कैसी स्पीड है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि उसको 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए लेटेस्ट से 5 या 6 मिनट लग रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। बट अगर अंकिता के फ्रेंड की बात करें ना, उसका घर प्लेग्राउंड से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था और वो भी 5 मिनट में पहुंच गई प्लेग्राउंड में, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना, तो कैसे पहुंचेगी? आप लोगों का दिमाग क्या कहता है? मेरा दिमाग तो बस ये कहता है कि अगर ये 8 किलोमीटर 5 मिनट में पहुंच रही है, मतलब इसकी जो गाड़ी की स्पीड थी ना, इसने बस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, बूम बूम बहुत ज़्यादा स्पीड एक्सेलरेट कर दिया उसने, इसलिए उसने इतना बड़ा डिस्टेंस भी उतने ही मिनट में ट्रैवल किया जितने मिनट में इसने किया है। तो मैं क्या बोलूँगी भाई, ये जो फ्रेंड है इसकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉर्मल स्पीड नहीं है भाई उसकी, उसने गाड़ी की स्पीड को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया ना, नॉन यूनिफॉर्म हो गया वो, बस यूनिफॉर्म रहा ही नहीं। मतलब कहना मुझे ये है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस है भाई, और वो भी कैसे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जितना टाइम इसको लग रहा था उतना ही टाइम इसको लगा और इसका डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा भी था, है ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि दाल में कुछ काला है, उसने अपनी स्पीड को इतना खतरनाक बढ़ा दिया ना, इतना खतरनाक बढ़ा दिया कि इतना बड़ा डिस्टेंस भी उसको ट्रैवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे। समझे या नहीं समझे, मतलब कहना मुझे ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग बोलेंगे कि वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट
ट्रैवल कर रहा है अन इक्वल डिस्टेंस, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे ये जो स्पीड है ना खूब ज़्यादा बड़ाई वाली स्पीड है, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली स्पीड है। और ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लास्ट वाले क्लास में कवर किया था एकदम बढ़िया तरीके से। स्पीड और वेलोसिटी को भी लास्ट वाले क्लास में देखा था, और आज हम लोगों ने स्पीड का क्लासिफिकेशन भी देख लिया, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और आपको मुझे पता है अब इतने बढ़िया तरीके से मैंने समझा के दिया ना, अब आपको कोई भी पूछ लेना तो आप एकदम लाइव एग्जाम्पल के साथ में उसको ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए भाई, हम लोग अब देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है एक्सीलरेशन। तो स्पीड के बाद में अब एंट्री होती है हमारे लेक्चर में, हमारे गेम में, जिसका नाम है एक्सीलरेशन। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। चलिए गाइस देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने नेक्स्ट पार्ट को जिसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन को। मुझे पता है एक बार डेफिनेशन लिखती हूँ फिर आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा के देती हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की टोटल दो डेफिनेशन हो सकते हैं। हो सकता है कोई बोलेगा मैम ये डेफिनेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भाई हमारे लिए कोई अल्टरनेटिव है क्या? बिल्कुल है। अब हम लोग देखने वाले एकदम ईजी वाले डेफिनेशन, आप उन दोनों में से कोई भी रिपोर्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन इसकी ये है, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन आपका ये कहता है भाई कि जो भी आपका एक्सीलरेशन है इसी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए भाई देख लेते एकदम बढ़िया तरीके से। कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि जब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लेती हूँ तो उसको भी एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? रेट मतलब ही होता है टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको भी हम लोग एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। रेट मतलब ही क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। एक अलग सा वर्ड यूज़ किया है रेट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी आपका चेंज इन वेलोसिटी उसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अपने इजी लैंग्वेज में भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई, द चेंज इन वेलोसिटी जो दिख रहा है बस वो लिखने का। द चेंज इन वेलोसिटी पर मतलब डिवाइडेड का साइन, यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन, बिल्कुल लिख सकते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी पर मतलब डिवाइडेड का साइन, यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। ठीक है, याद रखना है भाई इसको। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है मैम हमको सब समझ गया कि चेंज इन एक्सीलरेशन पर यूनिट टाइम का मतलब, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का मतलब एक्सीलरेशन होता है, समझ गया हमको। डेफिनेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया, बट ये चेंज इन वेलोसिटी है क्या? बड़े दिमाग में कन्फ्यूजन्स आते हैं। चलिए देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी तो आपका एक्सीलरेशन ही है भाई। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो फाइनल वेलोसिटी होता है ना, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन टाइम, ये भी आपका एक्सीलरेशन होता है। याद रखना है बस एकदम बढ़िया तरीके से। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि जो भी यहाँ पे आपका वी है, इस वी का मतलब ही होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपका यू है, इस यू का मतलब ही होता है भाई आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जो भी यहाँ पे आपका टी है, इस टी का मतलब होता है टाइम, और जो भी यहाँ पे आपका ए है, इस ए का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो समझ गया एकदम बढ़िया तरीके से। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन, या तो फिर द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। अब चेंज मतलब ही क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते, और एक्सीलरेशन को काई से रिप्रेजेंट करेंगे? ए से।
अब आज से आप लोग ए फॉर एप्पल मत बोलना, सारे के सारे जोर से बोलेंगे ए फॉर एक्सेलरेशन। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन के टाइप्स की तरफ। जैसे कि पहले हम लोगों ने स्पीड को देखा, वेलोसिटी को देखा, और स्पीड के दो टाइप देखे, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इन द सिमिलर फैशन अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन को देखा, और अब हम लोग क्या देखने वाले हैं एक्सेलरेशन के भी दो टाइप्स को। तो चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन के दो मेजर टाइप्स को, देखेंगे गाइस फटाक से। तो जो आपका एक्सेलरेशन है उसके दो ऐसे तो मेजर टाइप्स होते हैं, मेजर टाइप्स, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ऑब्जेक्ट हम लोग लिख सकते हैं मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और सेकेंड रहेगा आपका ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप मूविंग विथ भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए देखेंगे हम लोग ये दोनों टाइप्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है, एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं फिर मैं आपको समझा के देती हूँ, ठीक है। इफ द वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, इफ द वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the object is said to be moving with uniform acceleration. चलिए मुझे पता है ये समझ में नहीं आए, अभी मैं समझा के देने वाली हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपको ये लिखा है इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी moving with a non-uniform speed, moving with a non-uniform speed। चलिए भाई बहुत हो गया, अब हम लोगों ने जल्दी से लिख लिया, अब हम लोग समझने वाले फटाफट से। कहना मुझे यहाँ पे ये है, ये आपको ये कहना चाहता है कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है ना वो चेंज होती है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से, मतलब जितना टाइम चेंज हो रहा है ना उतना ही आपका वेलोसिटी का भी चेंज हो रहा है। मतलब कहना मुझे ये है इफ़ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेट अस से। चलिए समझ लेते हैं इसको। सपोज मैंने एक ग्राफ लिया, ठीक है। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ ये जीरो है भाई, ये आपका है 5, ये आपका है 10, ये आपका है 15, ये आपका है 20, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या देखा, लेट अस से इसको भी ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। ये मैंने लिया है 5, 10, 15, या तो फिर इसको 10, 5 ऐसे कुछ ले लो, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया भाई, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया क्या? हाँ हमने बहुत कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया। लेट अस से अगर मैं एक ग्राफ को ड्रॉ कर दूँ ना, छोटे से ग्राफ को मैं ड्रॉ कर देती हूँ, अगर जल्दी से एक ग्राफ को मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये ग्राफ आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है और ये ग्राफ आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया क्या? मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई, देखो अगर ये है आपका टाइम और ये है आपकी स्पीड, ये है आपका टाइम और ये है आपकी स्पीड, तो मैंने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जब ये ज़ीरो था तो लेट अस सी ये 10 है, जब ये 5 हुआ तो ये 20 हुआ, जब ये 10 हुआ तो ये 30 हुआ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये ज़ीरो था तो ज़ीरो के लिए लेट अस सी ये 10 है, जब मैंने ये 5 लिया तो लेट अस सी ये आपका कुछ और ही हो गया 25 के आसपास, जब मैंने ये 10 लिया तो लेट अस से ये आपका हो गया लेट अस से 100 के आसपास। मैंने क्या ऑब्जर्व किया,
मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सपोज यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 5 है, यहाँ पे भी टाइम का डिफरेंस 5 है, टाइम का चेंज कैसा है, इक्वल है। तो वेलोसिटी का भी चेंज देखो कैसा है, बिल्कुल इक्वल है। 20-10 भी 10 होता है और 30-10 भी 10 होता है। मतलब मैंने यहाँ पे ये देखा कि जब टाइम 5 से चेंज हो रहा है तो स्पीड 10 से चेंज हुई, फिर से नीचे में टाइम 5 से चेंज हो रहा है तो स्पीड फिर से 10 से चेंज हुई। मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो इक्वल है, जब ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 ही है, और टाइम भी ऊपर में 5 से चेंज हुआ और नीचे में 5 से चेंज हुआ है। मतलब वेलोसिटी का चेंज जो है वो इक्वल है विद इक्वल चेंज इन टाइम। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई आप लोग, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया कि हाँ यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पे टाइम का चेंज है 5 तो यहाँ पे स्पीड चेंज हुई है भाई आपकी कितने से, 15 से। अब नीचे में टाइम चेंज जो हुआ है ना वो आपके 5 से हुआ है, लेकिन देखो स्पीड कितने से चेंज हुई है भाई, 75 से चेंज हुई है। मतलब टाइम का चेंज यहाँ पे भी आपका 5 है, यहाँ पे भी आपका 5 है, बट यहाँ पे स्पीड 15 से चेंज हुई थी और यहाँ पे स्पीड हुई है चेंज 75 से। मतलब क्या स्पीड का चेंज इक्वल है, नहीं है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बस इतना ही याद रखना है कि अगर इक्वल टाइम के साथ में स्पीड भी इक्वली चेंज होती है तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे टाइम यहाँ 5 से चेंज हुआ तो स्पीड भी 10 से ही चेंज हुई, फिर नीचे में भी टाइम 5 से हुआ तो स्पीड भी 10 से हुई, इक्वल है दोनों तरफ। यहाँ पे भी टाइम इक्वली चेंज हुआ है, यहाँ पे भी स्पीड इक्वली चेंज हुई है। ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। इस साइड में मूव करेंगे तो इस साइड में क्या देखा भाई हम लोगों ने, क्या इस साइड में कुछ देखा हम लोगों ने? इस साइड में हम लोगों ने ये देखा कि जब टाइम 5 से चेंज हुआ तो स्पीड 15 से चेंज हुई, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और जब टाइम 5 से चेंज हुआ ना तो तब तो स्पीड और ही कहीं 75 से चेंज हुई। मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही ये इक्वल है नहीं। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन का एक टाइप का क्लासिफिकेशन तो देख लिया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना मूव करेंगे हमारे एक्सेलरेशन के सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन की तरफ। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंगली एकदम फटाफट जल्दी से एक्सेलरेशन का सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है एक्सेलरेशन का और एक टाइप का क्लासिफिकेशन। कहना मुझे जो है ना वो ये है कि एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन अनदर वे। और एक तरीके से भी हम लोग एक्सेलरेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं थ्री टाइप्स में। जो पहला नाम होता है आपका वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड होता है भाई आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। और थर्ड क्या रहेगा, आप लोग खुद ही सोचो भाई, इसको रट्टा नहीं मारना है। देखो भाई सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे, अगर एक है ज़ीरो, ज़ीरो के राइट में कौन आता है, पॉजिटिव। नंबर स्केल का बस याद रखने का, ज़ीरो के लेफ्ट में कौन आता है भाई, नेगेटिव आता है। तो यही तो टीम टाइप है एक्सेलरेशन के, एक है आपका पॉजिटिव, एक है आपका नेगेटिव, और लास्ट वाला क्या रहेगा, ज़ीरो एक्सेलरेशन। क्या रहेगा भाई, ज़ीरो एक्सेलरेशन। चलिए तो ये हो गया, इसके टाइप्स कितने ईजी थे, ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो नंबर स्केल ही है भाई अपनी, बस देखने का तरीका है। अगर देखने का तरीका समझ जाए ना तो बस सब कुछ आ जाता है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना, इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टाइम। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टाइम, ठीक है, देन एक्सेलरेशन इज टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बार इधर भी लिख देते हैं फिर मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा के देती हूँ। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
when velocity of an object decreases with increase in time, then the acceleration is called as, क्या बोलेंगे भाई उस एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलिए एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। कहना मुझे यहाँ पे यह है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम ये क्या इतने सारे डेफिनेशन हम लोग रट्टा मारेंगे? अरे भाई नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है, बस देखो यहाँ पे इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही है पॉजिटिव। मतलब कहना मुझे ये है कि वेलोसिटी जो है ना इंक्रीज होंगी विद इंक्रीज इन टाइम। मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होंगे टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ। ऐसा क्यों भाई, वेलोसिटी इंक्रीज क्यों होंगी टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ, वेलोसिटी इंक्रीज होंगी विद इंक्रीज इन टाइम, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि नाम ही है पॉजिटिव। क्या बोला गया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ही क्या होता है? बढ़ना। बढ़ना मतलब ही क्या होता है? इंक्रीज होना। नाम खुद बता रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है, बढ़ने वाली है। नाम ही है पॉजिटिव विद टाइम। अब इसका नाम ही है नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। यहाँ पे इसका नाम ही है नेगेटिव, मतलब क्या होने वाला है? जो भी आपकी वेलोसिटी है ना वो डिक्रीज होने वाली है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि नाम ही है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ही क्या होता है? कम होना। मतलब ही वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होंगी। कैसे? टाइम के बढ़ने के साथ साथ। समझे या नहीं समझे? आगे बढ़ेंगे। जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम, then the acceleration is called as, then the acceleration is called as zero acceleration। ऐसे acceleration को भाई हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? zero acceleration बोलते हैं। मतलब जब velocity change नहीं होती, ना तो वो increase होती है ना तो वो decrease होती, क्योंकि वो change नहीं होती, तो acceleration का नाम भी क्या रहता है? zero acceleration। समझे या नहीं समझे? आगे मैंने यहाँ पे क्या देखा, आगे मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पे ये जाना कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना भाई कि नाम ही है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ही क्या रहेगा? कि जो आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है। लेट अस से ये आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है तो यही आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है तो यही आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्योंकि नाम ही क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इसका नाम ही है नेगेटिव। मतलब मैंने क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये जाना कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना भाई, यहाँ पे मैंने ये जाना भाई कि अगर ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ना तो ये आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है, अगर ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ना तो ये आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है। कैसा है भाई? अपोजिट है, क्योंकि नाम ही है नेगेटिव तो अपोजिट तो रहेगा ना। अब जीरो एक्सेलरेशन में क्या होगा भाई? जीरो एक्सेलरेशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट है जीरो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है भाई, तो डायरेक्शन कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट है जीरो एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे मैंने क्या जाना, यहाँ पे मैंने ये जाना कि एक्सेलरेशन के टोटल कितने टाइप होते हैं? तीन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है ज़ीरो। पॉजिटिव में क्या होता है? वेलोसिटी जो है ना वो इंक्रीज होते जाती है टाइम के साथ साथ, बढ़ते जाती है, क्योंकि नाम ही क्या है? पॉजिटिव। अब नेगेटिव है, नाम ही बता रहा है, वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होते जाती है टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ। और ज़ीरो में क्या रहता है भाई? वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, इसीलिए तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है ना। फिर मैंने इसमें क्या देखा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहता है? सेम रहता है, क्योंकि नाम ही है पॉजिटिव। इसमें क्या देखा? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा रहता है? अपोजिट, क्योंकि नाम ही है नेगेटिव। और यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है भाई, डायरेक्शन कहाँ से आएगा? ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए भाई, आफ्टर दिस अब हम लोग देखेंगे टोटल 4 टाइप्स के ग्राफ को एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए देखते हैं हम लोग वो चारों टाइप्स के ग्राफ्स को। अब हम लोग देख रहे हैं ग्राफ को, तो ग्राफ को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला आपका जो ग्राफ है उसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखने वाले भाई। ये सबसे पहला आपका ग्राफ रहेगा जो हम लोग देखेंगे। सेकंड ग्राफ जो हम लोग देखने वाले हैं भाई वो रहेगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। थर्ड ग्राफ जो हम लोग देखेंगे भाई वो रहेगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और फोर्थ ग्राफ जो हम लोग देखने वाले हैं वो रहेगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये चार ग्राफ हमको टोटल डिस्कस करने हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलिए भाई, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे हम लोग हमारे सारे के सारे ग्राफ को एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लेना है, अब दिमाग में बड़े कन्फ्यूजन चलते हैं कि मैम मुझे ये सब पता है बट मुझे यही नहीं समझता कि मैं एक्सिस पे क्या क्या लूँ। तो अरे भाई क्यों नहीं समझता, यहाँ पे एक पे क्या है डिस्टेंस, तो लेफ्ट साइड में क्या लेंगे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे टाइम क्योंकि नाम ही है टाइम। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे डिस्टेंस लेंगे क्योंकि नाम ही है डिस्टेंस, और एक पे क्या लेंगे भाई टाइम लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक पे क्या लेंगे वेलोसिटी लेंगे, सेकंड इस पे क्या लेंगे टाइम लेंगे, जैसा नाम वैसे काम। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लेंगे वेलोसिटी, यहाँ पे लेंगे टाइम, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस। चलिए भाई अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाक से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे नाम ही है भाई यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जितना ये चेंज होगा उतना ही ये चेंज होगा। देखो भाई कुछ इस तरीके से रहेगा आपका ग्राफ, जितना ये चेंज होगा उतना ही ये होगा, जितना ये उतना ये, मतलब ग्राफ देखो कैसा है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बस भाई आपका, एकदम बढ़िया तरीके से, जितना ये चेंज होगा उतना ये, फिर जितना ये उतना ये, मतलब इक्वली चेंज हो रहा है, इसलिए कैसा यूनिफॉर्म है। अब भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है ही नहीं क्योंकि इसका नाम ही है नॉन यूनिफॉर्म। ये कितना भी बढ़ेगा ये कम बढ़ेगा, फिर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो ये ऐसा बढ़ेगा, फिर ये ऐसा कुछ बढ़ेगा, ये ऐसा कुछ ही कुछ इस तरीके से। देखो कैसा बढ़ रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। क्या ये यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है? नहीं, जैसे यहाँ पे ये इतने से बढ़ा तो ये इतने से, ये इतने से, ये इतने से, ये इक्वल था। यहाँ पे कुछ इक्वालिटी है नहीं, कुछ काय से ज़्यादा से बढ़ रहा है, कुछ कम से बढ़ रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है वो। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे बोल रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई ये ग्राफ है ना आपका कुछ इस तरीके से रहता है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो ग्राफ आपने क्या रट्टा मार के हमको बताया क्या बुक से? नहीं रे बाबा, देखो यहाँ पे इसका नाम ही क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है, इसीलिए तो देखो ना वेलोसिटी वाले एक्सिस को हमने बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ किया है, एकदम स्ट्रेट तरीके से ग्राफ किया है ड्रॉ वेलोसिटी के लाइन को। क्यों ऐसा? क्योंकि नाम ही क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे आ जाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बिल्कुल ग्राफ भाई इस तरीके से रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब ही क्या होता है। अगर वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है इक्वल टाइम के साथ, अगर वेलोसिटी इतनी चेंज हो रही है तो टाइम भी इतना है, वेलोसिटी इतनी चेंज हुई तो टाइम इतना है, वेलोसिटी इतनी चेंज हो रही है तो टाइम इतना है, मतलब वेलोसिटी का चेंज जो है ना वो इक्वल है टाइम के साथ साथ। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझे या नहीं समझे? यहाँ पे ऐसा क्यों आया समझे? क्योंकि नाम ही था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी भाई, इसलिए ऐसा आया। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। अब एक्सीलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज इक्वल होता है टाइम के साथ साथ, इसलिए ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और हाँ भाई कमेंट तो बनते ही है,
थैंक यू वेरी मच।